खरगापुर विधानसभा के गुना गांव में विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर लगाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। शिविर में एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, जनपद सीईओ प्रभाष कुमार घनघोरिया और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में 6 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। सभी ने अपने अपने आवेदन विधायक को दिए। जिन आवेदनों पर अधिकारियों ने जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा। जन समस्या निवारण शिविर में 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आज का शिविर हमारे गुना ग्राम में लगाया गया और आसपास के 5-6 ग्राम पंचायतों जैसे मातोल, सरकनपुर और भी 3-4 पंचायतें, मतलब टोटल 4-5 पंचायतों को मिलकर इस गुना में प्रधानमंत्री जनसेवा अभियान का शिविर लगाया गया। आज का शिविर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे 300-400 आवेदन आए और हमने प्रयास ये किया कि मौके पर बहुत सारे आवेदनों का निराकरण हो जाए और सारे पटवारी, तहसीलदार, पटवारी, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक सब मौजूद थे। तो मौके पे टीप हम तत्काल लगाते गए, उनसे पूछ के, गांव वालों से पूछ के कि हाँ अति गरीब हैं कि नहीं, इनको ये सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं, तो सब लोगों से पूछ के वेरिफिकेशन करके और तत्काल उस पर कार्रवाई हो गई। तो मेरे ख्याल से 50-60 आवेदनों पे तो तत्काल निराकरण हो गया था और बहुत सारे केस ऐसे थे जो आगे के लिए हमने एक हफ्ते के लिए अंदर दे दिया है। हमारे एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय मौजूद थे यहाँ पर, जनपद सीईओ साहब मौजूद थे, उन्होंने कुछ आवेदन ले लिया और एक हफ्ते के अंदर उसका निराकरण करने के लिए दिया है। युवाओं ने यहाँ मांग करी थी कि यहाँ स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, तो सभी युवाओं की, सारे युवा खड़े हैं यहाँ पर, सभी युवाओं की मांग को देखते हुए जो भी पहला हमारी खरगापुर विधानसभा में इस सत्र में स्टेडियम के लिए आएगा उसमें सबसे पहले गुना में स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। शिविर के दौरान विधायक एवं सभी अधिकारियों और थाना प्रभारी मीना पटेल एवं स्टाफ के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति अभियान की शपथ दिलाई गई और यातायात से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों से हेलमेट लगाने की शपथ भी दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगापुर।